मैं अमित अमन आपका स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज़ हरियाणा में। मोदी की तारीफ कर पाकिस्तान में मांगे जा रहे हैं वोट। एक ताज़ा मामला सामने आया है। पाकिस्तान, जो कि भारत का कट्टर दुश्मन देश माना जाता है, वहां आज सिचुएशन ये आ गई है कि उन लोगों को अपने देश में भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करके वोट मांगने पड़ रहे हैं। जबकि भारत में कुछ नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने किया ही क्या है। जो मर्जी नरेंद्र मोदी जानते थे, एक चीज हम सबको तस्लीम करनी चाहिए और पाकिस्तानी में याद रखना चाहिए। ये तो चार चीजें मैंने आपको कहा है तस्लीम काम करने के लिए कि हमने सच बोलना, हमने इंसाफ करना, चाहे दुश्मन भी हमने इंसाफ करना, हमने हालात की जिंदगी तोड़नी है और हमने जो सबसे बड़ा होता है मैं कहा इसको तोड़ना। ये चार चीजें नरेंद्र मोदी ने आपके साथ ही क्या किया, 627 नाम दिए उसने स्विटरलैंड और भारत बैंकों को कि 627 हिंदुस्तानियों के अरबों डॉलर जो बाहर पड़े हैं उन्होंने कहा लिया हिंदुस्तान का पैसा ही वापस लाया जाए। जो भी हम इससे मतलब कहें आदमी ईमानदार है। अगर ये दोनों में रहता हूं इसके भी बाहर बैंक अकाउंट पड़े होते जिस तरह श्री खानदान और सरकारी खानदान के हैं, तो ये भी नरेंद्र मोदी भी वही करता जो शिवराज शरीफ ने किया कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा और जब इकदार में आया तो दोनों ने अपने बेटा स्क्रीन पर भाई भाई बने हुए आपसे डर के तरीके से आपसे डर के। तो नरेंद्र मोदी ने 627 लोगों के नाम दिए। मैं सब पूछता नवाज शरीफ क्यों नहीं तुम नाम देते लोगों के, अगर जो हमने असेंबली में साल डॉलर कहा कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा तो साल डॉलर नवाज शरीफ क्यों नाम देते हैं लोगों के जिनके पैसे बाहर पड़े, आप बताए क्यों नहीं देते, क्योंकि अपना पैसा बाहर पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने कहा 627 लोगों के बताए इनका पैसा हिंदुस्तान से बाहर गया, हमारा पैसा हमारी वहां का पैसा वापस ले जाओ। तो पाकिस्तानियों हमें अपने हमसाय से सीखना चाहिए। तहरीके इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने मोदी के काम की तारीफ कर अपने देश में वोट मांगने की कोशिश की। गौरतलब है कि जो देश भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन मानता है वो भी मोदी के ही काम को आगे रखकर वोट मांग रहा है। आपका अपना चैनल स्टेट न्यूज हरियाणा।